नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को एक घरेलू उपाय बता रही हूँ जो कि वो दाने वगैरह जैसे मुँह पे हो गए उसके लिए काम करेगा और ऑयली स्किन के लिए काम करेगा, जो कि हम लोग गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमेशा मतलब मुँह धुलने के एक घंटे बाद ही ऑयली स्किन पे ऑयल से हो जाता है स्किन पे, तो उससे आप छुटकारा पा जाएंगे। तो बहुत ही आसान है, जो कि आप लोग के सबके पास होगा, घर में होगा। तो चलिए मैं उसको सबसे पहले आपको बता देती हूँ, और इससे पहले आपको ये बता देती हूँ कि अगर हमारी सारी वीडियो आपको देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, ये तुलसी के पत्ते लेने हैं, इस तरह से, इतना काफ़ी है, पर्याप्त है आपके चेहरे पर लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको बारीक कर लेंगे। इसके रस में हम क्या क्या मिक्स करके लगाएंगे वो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ, कि जो कि हमारे दाने ठीक हो जाएंगे और जो ऑयली स्किन है उससे आप बिल्कुल भी छुटकारा पा जाएंगे। हफ्ते में सिर्फ एक बार आपको लगाना है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको बारीक कर लेती हूँ। सबसे पहले आपको तुलसी के पत्ते को एक कटोरी में रख लेना है और उसको बारीक कर लेना है। ये देखिए हमने इसको बारीक कर लिया है, और इसमें बारीक करने के बाद इसमें आप गुलाब जल डाल लेना थोड़ी सी। ये देखिए ये गुलाब जल मैं डाल रही हूँ इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसके पानी को अब हम निचोड़ लेंगे। हथेली पे रख के इसे निचोड़ लेना है इसके पानी को, और फिर इसको चेहरे पे लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमने निचोड़ लिया है। तो गाइस, मेरे चेहरे में अभी कुछ नहीं लगा, मैंने इसको अभी साफ़ किया है चेहरे को, लेकिन फिर से भी मैं एक बार इसको गुलाब जल से फिर भी क्लीन कर लेती हूँ चेहरे को। तो मैं गुलाब जल से ही कर रही हूँ, इसको गाइस मैंने चेहरे को साफ कर लिया, कुछ भी ना लगा हो। इसे आपको 15 मिनट तक लगा के रखना है इसको। तो फिलहाल इसको आप कॉटन से भी लगा सकते हो, पर अभी मेरे पास कॉटन ख़त्म हो गया है नहीं, तो मैं इसे हाथ से ही लगा रही हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक बार लगाना होता है इसको। तो इस तरह से अपने चेहरे पर लगाना है इसे। देखिए ये तुलसी का जो पत्ते का रस होता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आप इसमें गुलाब जल मिला के अपने चेहरे पे लगाते हो, हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाना है इसको। इससे 100% ऑयली स्किन मतलब दूर हो जाती है चेहरे से, और पिंपल्स वगैरह भी ठीक हो जाते हैं।
आप लोग ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। तो इसको मैं रखूँगी 15 मिनट तक, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी लग चुका है ये, और मैं इसको रखूँगी 15 मिनट तक। तो चलिए मैं तब तक अपने थोड़े से काम कर लेती हूँ, फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं स्किन टाइट हो गई है। जब आपको पता लगे कि हाँ सूख गया चेहरे पे, 15 मिनट में ऐसे ही सूख जाता है, 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आपको इसे साफ़ कर लेना है। तो अब मैं चल रही हूँ इसे साफ़ करके, फिर आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि कैसा रहा चेहरा। जैसे कि गाइस मैं अपना चेहरा धुल के आ गई हूँ, आप लोग देख सकते हो, ये देखिए पूरा चेहरा साफ़ हो गया। अभी मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है और मैं इसे शार्प कर लेती हूँ। और अब ये जो मैं मतलब लगाई हूँ तुलसी के पत्ते में गुलाब जल डाल के, तो इससे मतलब अभी एक हफ्ते तक बिल्कुल भी ऑयली स्किन मेरी नहीं रहेगी, चाहे कितना भी पसीना आए, चाहे कितनी भी गर्मी हो, तो हफ्ते तक चल जाता है। तो ओके, अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैं हेलो गाइस, तो ओके मैं आशा करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये टिप्स काफ़ी लोगों को पता भी होगा जो मैंने बताया है, और जिन लोगों को नहीं पता होगा तो लोग ज़रूर ट्राई करना। तो ओके बाय, अब मैं ख़त्म करती हूँ अपनी यहीं पे वीडियो, और अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।